अभी मैं मौजूद हूँ केपीके और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर। ये वही किनारे है जो दरिया का जो है हिस्सा बन गया है, कोहाला में दरिया जलम का। बच्चे मौजूद थे जो यहाँ पर खेल रहे थे, जो है इनके साथ हम एक छोटा सा मैच खेलने लगे। इट्स टाइम टू चेज दिस टारगेट। Hey, y'all come look at this. It's time to chase this target. Assalamualaikum जी, welcome to my YouTube channel. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। So ईद मुबारक to all of you. अभी मौजूद हूँ मरी में और जिस पॉइंट पर अभी मौजूद हूँ इसको जो है वो शकरपड़ियाँ बोलते हैं। इसका व्लॉग एक मैंने बनाया था वो आप देख सकते हैं। बूरबन से थोड़ा सा ही आगे आए तो ओसिया के मकाम पर जो है ये मौजूद है शकरपनिया। एक दफ़ा जो है वो मेरे दोस्त से कह नाराज़ हो गए थे कि आपने व्लॉग तो बनाया लेकिन उसमें जो है वो आपने शकरपनिया के साथ ओसिया का टच नहीं दिया। सो ये मौजूद है जी ओसिया में और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर हमने सफ़र करना है, लाइक वो बॉर्डर है पंजाब और केपीके का। वहाँ से पानी का एक बहुत बड़ा नाला गुजरता है जिसको जो है वो किनेर बोलते हैं। तो अभी वहाँ पर हम जा रहे हैं और आई होप कि हमारा जो सफ़र है बहुत शानदार रहेगा। तो चलता हूँ और आपको जो है विजिट करवाता हूँ। वो शरियार भाई मौजूद हैं। शरियार भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बुरान जी। तो रेडी हैं फिर? रेडी। बारिश हो रही है हल्की फुल्की लेकिन मसला नहीं है। मौसम जो है वो काफी बेहतरीन सा हुआ है। तो जी चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सफर जो है वो कैसा रहता है। चलें जी। तो जी यहाँ पर वेदर तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का है और हमें अभी आगे बढ़ना है। तकरीबन जो है यहाँ से हमें आधा घंटा लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो चलते हैं, बारिश का मौसम है, बाइक पर हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करके हमारा जो सफर है वो बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। यहाँ से मलकोट चौक बोलते हैं, यहाँ से हमने लेफ्ट मोड़ जाना है। सो जी तो लिंक रोड पे अपने सफर का आगाज कर दिया और यहाँ से काफी धीमे अंदाज में जो है हमारा बाइक उतर रहा है क्योंकि रोड जो है वो यहाँ पर काफी खतरनाक सी है क्योंकि रोड की हालत आप देख सकते हैं काफी खतरनाक है। एक है बाइक जो है वो हमारे आगे जा रहा है और ये रही यहाँ की लोकल मस्जिद। सो जी तो अभी मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ इसको जो है वो नम बुदड़ियाल बोलते हैं और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का सफर रह गया हमारा आगे। जो है वो हमने एक गांव से बुलाया जिसे जो है वो नम रुमाल कहते हैं और इस गांव को जो है वो जैसे मैंने आपको बताया नम गड़ियाल कहते हैं। और यहाँ कश्मीर के करीब से, लाइक कश्मीर जो है वो इनके बिल्कुल सामने है और पंजाब से होते हुए हम अब जा रहे हैं जी केपीके में। और ये जो सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये केपीके की पहाड़ियाँ, ये जो है आप देख सकते हैं छोटे छोटे नाले यहाँ से बह रहे हैं और ये सारे नाले छोटे नाले हैं उस बड़े नाले में किनेर में जाके बैठे हैं। यहाँ से जो है वो रोड थोड़ी सी ठीक है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इन दरख्तों के दरमियान से जो है अपने सफर को जारी रखा हुआ है। सो जी अभी मैं मौजूद हूँ केपीके और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर और अभी मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ। यही पुल जो है ये मिलाता है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरे अकब में, ये पंजाब की पहाड़ियाँ जहाँ से हम सफर करके आए। और लाइक यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये जो पहाड़ियाँ ये केपीके की पहाड़ियाँ और ये रहा मलकोट और ये जो है ये आ रही है किनेर। अगर आपको दिखा सकें शहरियार भाई, अभी जो है इसमें पानी कुछ इतना खास नहीं है, उसकी वजह ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जब बारिश होती है तो ये जो है ये पूरा जो है आपको पानी से भरा हुआ नज़र आता है, लाइक बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, बट अभी भी पानी है। तो जी तो चलते हैं अभी थोड़ा सा किनेर के करीब चलते हैं, वहाँ पर सामने कुछ दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। सो जी तो यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद थे जो यहाँ पर खेल रहे थे किनेर क्रिकेट ग्राउंड में और यहाँ पर जो है इनके साथ हम एक छोटा सा मैच खेलने लगे। बड़े मिन्तों और तरलों के बाद जो है ये माने नहीं मान रहे थे पहले, बट चलते हैं जी और इनके साथ एक मैच खेलते हैं। यहाँ पे घोड़ा भी है यहाँ पर और ये बुरान भाई को देख के आई थिंक भाग गया। ये घोड़ा जो घोड़ा के खच्चर है यार, खच्चर है। तो ये जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बुजुर्ग हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं, तो इसको इनको जो है ना वो निकाल दिया जाता है, लाइक अब ये मरते दम तक इधर ही घूमता रहेगा ऐसे ही है ना। इनसे काम लेते हैं, इनको घर लेके जाते हैं, उनने ना एक कमल जो गए रहे ले बस ये अब खत्म है। तो बुरान भाई टास्क कर रहे हैं, बुरान भाई और मेरी टीम की टीम है, टेल की टीम है। चलें जी टास्क हम हार गए और बॉलिंग करने लगे, दो दो ओवर का मैच है फिर। ठीक है
रान भाई रेडी हैं, ट्राई पे आउट कर दिया था, अब प्ले बॉल हो चुकी है। और व्लॉग ना बना सो कैच बॉल शॉट इस तरह से। एक और छक्का। कितना बनाना छोटे भाई? तो जी 28 का टारगेट मिला, सो इट्स टाइम टू चेज दिस टारगेट। ले बॉल हो गई, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल तो खेल दिया जी। अब बुरा ना यार, क्या बात है, क्या बात है, गुड शॉट खान साहब। शाबाश, इनके भरोसे नहीं छोड़ गया खान साहब, सारा हो गया, शाबाश शॉट है जी। अब जब मैं पोड़िया ओ तेरी है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, 10 रह गया, सब वास्ते है अपना ही चाचा। सो लेट्स सी क्या बंदा शरियार भाई, वेट करके आराम से। ओए होए होए, यो क्या की जाया। सो जी शरियार भाई को मैं टिप्स देने जा रहा हूं, उसके बाद ये खेलेंगे। अच्छा शरियार भाई देख लो, आप देखिएगा, आप छक्का चेक कीजिएगा इनका। वेल प्लेड यार। सो जी मैच तो हम हार चुके हैं, पंजाब से आके केपीके में हमने मैच आ रहा है माशाल्लाह से। और बहरहाल जी एक अच्छी गेम थी, क्रिकेट की एफर्ट तो हमने भरपूर की है, बट अनफॉर्चुनेटली एक टीम को जीतना होता है और एक को हारना होता है। सो अभी जो है वो चलते हैं थोड़ा कनेर के पास, पानी के पास। सो जी क्रिकेट मैच की डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर है, बट हम फिर भी जो है ना थोड़ा सा अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए लाइक थोड़ा सा आगे पानी की तरफ जाने लगे। सो जी दोस्त, इस नाले के करीब में पहुंचे हैं और काफ़ी साफ शफाफ पानी है अभी इसका, और अभी जब ये बारिश होगी तो ये सारा जो है ये भरा हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ पे हर जगह जो है पानी पानी नज़र आता है, और भरा हुआ तब होगा जब ये यहाँ पर बारिश होंगी। तो इंजॉय कर रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही जो पानी है ये जाके कोहाला जो एक किनेर लगती है, मैंने एक ब्लॉग बनाया था और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कोहाला में जो दरिया जेलन है उसमें जाके किनेर का पानी जो उसके साथ में मिलता है, मिक्स होता है, ये वही किनेर है जो जाके उस दरिया का जो है हिस्सा बनती है कोहाला में, दरिया जेलन का। सो जी तो काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पर, लाइक वेदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का पिकनिक पॉइंट है कह सकते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की, यहाँ पर आके आप क्रिकेट खेल सकते हैं, लाइक फैमिली के साथ आके आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आके जो है यहाँ पर इंजॉय करें। आई होप जी आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो यहाँ से पंजाब और केपीके के बॉर्डर से आपको कहता हूँ अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।